ओम साईनाथाय नमः। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर पैसा है भी तो मन की शांति नहीं है। घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बड़ों का बहुत ज्यादा अनादर करने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम घर में जो नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी से होने वाली परेशानियों के बारे में जानेंगे, उन्हें किस तरह पहचाना जा सकता है और हम अपने घर से इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को किस तरह से दूर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पुराने जमाने में कमाने वाले एक व्यक्ति भी हो तो वह परिवार बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। तो ऐसा क्या बदल गया कि घर में दो तीन लोग कमाने के बाद भी हम में से कई लोग खुश नहीं है? बात बस इतनी ही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ पद्धतियों को हमेशा अपनाया करते थे और नियम अनुसार रोज किया करते थे, जिससे हमेशा घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास रहता था। हमारे आसपास हमेशा कुछ अच्छी और कुछ बुरी ऊर्जा का वास होता है। हमें कैसे पता चलता है कि घर में नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा है? सबसे पहले अगर हमें ज्यादा थकान, आलस, कुछ भी काम करने का मन ना होना, घर में वापस आते ही एक अजीब सी बेचैनी या खुशी ना होना, ये पहला लक्षण है। दूसरा है घर में बढ़ते कलेश। तीसरा घर में हर वक्त बीमारियों का होना। चौथा कोई भी काम शुरू करने से पहले ही विफल हो जाना या काम अंत तक आते आते अचानक से रुक जाना। पांचवा घर में हमेशा दरिद्रता और पैसों की तंगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ बुरी आत्माओं का वास नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वे उपाय जिससे आपके घर से इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ही आसानी से दूर भगाया जा सकता है। सबसे पहला रामबाण है स्वच्छता। घर की पूरी तरह से सफाई करें। खासकर पूजा घर और किचन की समय समय पर सफाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। भगवान के फोटोज और मूर्तियों को कम से कम हफ्ते में दो तीन बार साफ करके चंदन कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। मंदिर में सूखे फूल, माचिस की डिबिया को हटा दें। पूजा के पात्र जैसे दीपक, कलश इत्यादि को हमेशा साफ करते रहें। जब भी दीपक जलाए बाती नहीं होनी चाहिए। रोज सुबह शाम धूप अगरबत्ती जलाए। दिन में एक बार दिया अवश्य जलाने की कोशिश करें। अगर सुबह सुबह ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं तो शाम को अवश्य जलाएं। धूप या अगरबत्ती घर के कोने कोने में दिखाएं। घंटी के स्वर से भी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, तो घर के हर रूम में घंटी जरूर बजाएं। हल्की ध्वनि में मंत्र जाप बजाएं, जैसे कि हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, रामबाण जैसे मंत्रों से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। तो आप कोशिश करें कि इन मंत्रों को दिन में एक या दो बार अवश्य बजाएं। घर में टूटी फूटी वस्तु, बेकार पड़ी चीजों को हटा दे। घर में मुख्य द्वार यानी डोर को हमेशा साफ रखे। हो सके तो घर के डोर के आगे हमेशा रंगोली सजाए। सबसे जरूरी चीज है गुस्से को काबू में करें। आप जितना घर में चिल्लाएंगे उतना ही नेगेटिव एनर्जीज का संचार घर में होता है, जिससे मन को हमेशा अशांति का सामना करना पड़ता है। अपने इष्ट देव से संबंधित धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, पारायण करें, पूजा करें, दान धर्म अवश्य करें, भगवान को हमेशा याद करें, उनके चरणों का ध्यान करें, धन से मोह को कम करें और सभी को एक समान प्यार दें। पशु पक्षियों को भी खाना खिलाएं। कहते हैं भगवान हर प्राणी में वास करते हैं। अगर आप इन भोले भाले पशु पक्षियों को खाना खिलाते हैं तो आप श्री हरि को खाना खिलाते हैं। याद रखें, लक्ष्मी देवी चंचल स्वभाव की हैं। आज हमारे पास है तो कल नहीं। सबसे ज्यादा हमें भगवान से डरना चाहिए। घर में सदैव उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनका भय भी हमेशा हमारे मन में होना चाहिए, तभी हम सही कर्म और पुण्य की प्राप्ति कर पाते हैं। आशा करते हैं कि इन छोटे छोटे उपायों से आपका जीवन सरल और आनंद से भर जाएगा। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ओम साईनाथाय नमः।